गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास मैथ की हमारी क्लास में 14.2 एक्सरसाइज, जिसका आज हम अपना करेंगे फोर्थ सम। हमने जो पिछली क्लासेज में सम किए थे उन्हीं के बेस पे ये सम्स होंगे जिसमें हमने फैक्टराइज करने हैं। और फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम अपना ये सम करेंगे फर्स्ट सम, जिसमें क्या है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, बी की पावर स्क्वेयर का हम क्या करेंगे यहां पर भी स्क्वेयर लिख देंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहां पर ए की वैल्यू है ए स्क्वेयर और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वेयर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी अब हम क्या करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एक ब्रैकेट आ जाएगा ये, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन यहां पर हम देखेंगे हमने जो a की 4 था उसको a स्क्वेयर और उसका भी स्क्वेयर कर दिया, यहां पर b स्क्वेयर का स्क्वेयर यहां पर किया है। अब यहां पर a की वैल्यू है a स्क्वेयर और b की वैल्यू b स्क्वेयर। तो यहां पर हम a प्लस बी में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a माइनस बी में a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर पुट किया है। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला, इसको हम दोबारा खोल लेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से फैक्टराइज। सेम हमारा यही है कि पी की पावर 4 माइनस 81, पी स्क्वेयर का स्क्वेयर और 81 को क्या लिखेंगे 9 का स्क्वेयर। यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वेयर और बी की वैल्यू हो जाएगी 9। तो ए प्लस बी और a माइनस बी यहां से फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a, a की वैल्यू p स्क्वेयर, b की वैल्यू 9, a की वैल्यू p स्क्वेयर, b की वैल्यू 9। ये इसको हम एज इट इज रखेंगे p स्क्वेयर प्लस 9। लेकिन यहां से अब हम दोबारा इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा p का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। अब यहां से दोबारा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी p और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसको एज इट इज रखेंगे p स्क्वायर प्लस 9, ये a प्लस b यानी p प्लस 3 और ये हमारा हो जाएगा p माइनस 3। यानी ये हमारा एज इट इज हमने इसको लिखा है, ये जो हमने सोल्व किया है ये खोला है इस वाले फॉर्मूले को जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोबारा हो जाता है। तो a प्लस b यानी p प्लस 3 और a माइनस b यानी p माइनस 3 हो जाएगा। यहां से a की 4 माइनस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो हमने 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम किया था जिसमें हमने फैक्टराइज किया था, एक हमने डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, अगर फर्स्ट वाले का स्क्वेयर रूट और सेकंड वाले का स्क्वेयर रूट होता है तो हम डायरेक्ट तरीका यूज करेंगे जिसमें ए स्क्वेयर का स्क्वेयर और यहाँ पर बी स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा और ये बीच वाला साइन डिपेंड करेगा इसके ऊपर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यहां से इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का वही फॉर्मूला खोलेंगे जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन इस सारे के ऊपर क्या है हमारी एक ब्रैकेट भी साथ भी है। ये अगर हम इस ब्रैकेट को देखेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का पहले हम फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ब्रैकेट क्या है होल ब्रैकेट थी इस सारे के ऊपर। तो हम क्या करेंगे सारे के ऊपर क्या लिखेंगे एक स्क्वेयर और लिखेंगे, इस तरीके से हम इस सम को करेंगे। तो हमारी 14.2 एक्सरसाइज का थर्ड सम भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है, सॉरी फोर्थ सम, थर्ड सम हमने सम नहीं करना है। तो जो हमारी 14.2 एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके जो दो पार्ट रहते हैं फोर्थ सम के वो पार्ट आपको नहीं करने हैं। तो 14.2 एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है वो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।